ओम प्रकाश राजभर से पहले ये आप पूछें कि हिंदुस्तान के अंदर जितनी जातियां हैं, किसी जात को अब तक छोड़ा नहीं है गाली देने बिना। ये तो सही है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जहां भी भाजपा वालों को पाओ 10 जूता मारो। आज के परिवेश में भाजपा का कोई कार्यकर्ता हो, उनके साथ प्रचार करने के लिए जाने से कतरा रहा है, कैसे जीत जाएंगे? वो तो जुमला कहते हैं, जब उनसे इन तमाम चीज़ों पर सवाल किया गया उनके बयानबाजी पर, तो वो तो कहते हैं ये तो चुनावी जुमला है, जब चुनाव का वक्त होता है तो हम ये सारी बातें कहते हैं, चुनाव जीत जाते हैं तो फिर ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। उन्होंने योगी को भी कहा था कि हम भीख मंगवाएंगे, कटोरा दे देंगे, लेकिन योगी के साथ है, मंत्री भी योगी जी बना दिया। बताइए, ऐसा है कि योगी बाबा का मत है, उनकी सोच है, उन्होंने जो सोचा उनकी तो सोच थी इनको मंत्री भी न बनाने की, बाकी अमित शाह के दबाव में इनको मंत्री बनाना पड़ा। इन्होंने बाबा को स्पष्ट कहा था कि मैं भीख, जहाँ भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है मैं वहाँ भेज दूंगा, और इनको तालाब में नदी में डुबा डुबा कर मारूंगा, यहाँ तक इन्होंने कहा था। क्या जन उनके जो समर्थक हैं बाबा के, वो इसको भूल गए होंगे? कत्ते नहीं भूले होंगे। और दूसरी चीज, विकास की बात करिए, इन्होंने हमारे प्रदेश के अंदर बाबा ने क्या विकास किया? बाबा ने, बाबा का कोई एक विकास हो तो बताओ। ओम प्रकाश जी, जितने हमारे प्रदेश के अंदर 4 लेन से लेकर 6 लेन जितने बने, या जितने रोड आपको देख रहे हैं बने हैं, ये देहात की छोड़ दीजिए, जितने मेन रोड बने हैं, ये सारा प्रोजेक्ट, सारा इसका एस्टीमेट, सारा पैकेज अखिलेश यादव का था। अखिलेश यादव जी, और उस कार्य को कराने के लिए कोई भी सरकार रहेगी तो उसको करेगी। बहन जी भी आती, बाबा नहीं होते बहन जी भी रहती तो उस प्रोजेक्ट को पूरा करती। कह रहे हैं कि हमने बहू को मेडिकल कॉलेज दे दिया, मेडिकल कॉलेज स्वास्थ्य विभाग के माफियाओं को दिया। माफियाओं का मतलब जो ठेकेदारी पर, जो ठेका पर जो चलेगा उसमें गरीब जनता का क्या इलाज होगा? समाजवादी पार्टी से आप ताल्लुक रखते हैं, ओम प्रकाश राजभर की अगर बात हो रही है तो ओम प्रकाश राजभर तो मान लीजिए बयानबाजी करते करते चले गए सत्ता पक्ष में, और वो कहते हैं कि भाई जहां सत्ता है वहां हम रहेंगे तो अपने समाज का विकास करेंगे। लेकिन अगर अभी वही ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ आने को तैयार हो जाए तो आप लोग फिर बुला लेंगे उनको? अभी तो नहीं, नहीं, वो जहाँ है वहीं रहे। नहीं, बुला लेंगे भाई, क्योंकि वो कहते हैं हमारे पास वोट बैंक है और उसी की वजह से लोग उनको तुरंत अपना लेते हैं। ऐसा है कि देखिए, समाजवादी पार्टी धोखा खा लेती है, धोखा नहीं देती है। समाजवादी पार्टी धोखा नहीं देती है, धोखा खा लेती है। दारा सिंह को समाजवादी पार्टी ने चुनाव जिताया तो समाजवादी पार्टी तो उनको धोखा दी नहीं, धोखा तो वो दिए। ओम प्रकाश जी को धोखा समाजवादी पार्टी नहीं दी, ये धोखा देकर के पलटी मारे। वो तो कह रहे अखिलेश यादव उनके साथ गद्दारी की, अखिलेश यादव सुन नहीं रहे थे, उनके समाज के लिए कुछ करने को तैयार नहीं थे। अखिलेश यादव उनके साथ आकर के कटिया करें, उनके साथ आकर के तालाब में हेल करके मछली मरवाएं, उनके समाज को हक हिस्सा उनका दिलवाएं अखिलेश यादव? अखिलेश यादव अब तो जहां हैं पंचायती मंत्री हैं वहां हक हिस्सा लें ना, हक हिस्सा लें। आज के समय में लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। मनुस्मृति में पता है कि क्या है? आज कह देते हैं बड़े ये ओम प्रकाश जी बड़े ताव से कि समाजवादी पार्टी ने क्या दिया हमारे प्रदेश के अंदर या पूरे हिंदुस्तान के अंदर? 3 नेता थे, नहीं तो वो नहीं हो रहे होते तो आज भी उनके सामने आप जमीन पर बैठते और वो जो है कि जमीन पर बैठते उनका पैर छूते। नेताजी, ये तमाम सारी बातें लेकर समाजवादी पार्टी चुनाव में उतरती है, 22 में जब चुनाव में उतरी विधानसभा चुनाव में तो उन्होंने कहा कि काम बोलता है, काम नहीं बोला, काम तो बोला नहीं।
अब 24 का चुनाव है, इसमें भी तमाम तरीके के दावे लेकर तमाम विकास का नाम गिनवा रहे हैं, लेकिन फिर से हार जाएंगे चुनाव तो फिर वही होगा लास्ट में कि ईवीएम का घोटाला है और कुछ नहीं। हारना ही है, ईवीएम तो है, रिमोट की चाबी उनके पास है। चुनाव हारना है, जहाँ चुनाव जीतते वहाँ कहाँ चाबी चली जाती है? रिमोट की चाबी है उनके पास। हम लोग जहाँ चुनाव जीतते हैं वहाँ लाठी डंडा लेकर के जो है जहाँ ईवीएम रखी जाती है उस पर पहरा देते हैं। सबकी क्या तैयारी है? इस बार भी हम लोग बूथ से लेकर के और जिला तक जहाँ ईवीएम रखी जाएगी वहाँ बैठकर पहरा देंगे। परिस्थिति देख रहे हैं क्या बन रही है, कांग्रेस से, सपा से, बसपा से, तमाम ऐसे विधायक नेता हैं बड़े बड़े जो सीधे भाजपा में चले गए हैं चुनाव के पहले ही, तो क्या परिस्थितियां लग रही है? समाजवादी पार्टी के साथ कोई रहना नहीं चाह रहा, कांग्रेस के साथ कोई रहना नहीं चाह रहा, बसपा से भी नेता भाग रहे हैं भाजपा में। वो भाग जाए उससे क्या मतलब, हमें कमजोर नहीं हो रहे हैं आप? मैं ऐसे बड़े बड़े कई बार के विधायक रहे, नेता निकल जा रहे हैं। ये यहाँ हमारी लड़ाई पीडीए की है, हमारी लड़ाई पीडीए की है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, और हमारी ये उनकी लड़ाई नहीं है उनसे। बात को समझिए, और वह जो है अपना जो कह रहे हैं करें, आप ये बताइए, ये कह रहे हैं अभी अमित शाह जी चाहे बाबा कहेंगे कि हमने मंदिर बनवा दिया, मंदिर बनवा दिया, क्या मंदिर बाबा बनवाए, अमित शाह बनवाए, मोदी बनवाए, उसको सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया। ये बताइए, ये मजिस्ट्रेट हैं, चीफ जस्टिस हैं, सीजीआई चूर्ण हैं, साहब हैं, ये वह न्यायालय के आदेश पर बना, और उस पर ये जात धर्म और राजनीति की पर ये राजनीति न करें। सबसे पहले जनता को चाहिए रोटी कपड़ा मकान, मकान, ठीक ना? जनता को इन्होंने रोजगार क्या दिया आज तक? इन्होंने जनता को कौन सा रोजगार दिया? कटोरा दिया, राशन दे रहे हैं, हर यूनिट पर 5 किलो राशन मिल रहा है, किलो राशन फ्री, रुकिए रुकिए, फ्री का सिलेंडर मिल रहा है, लोगों को आवास मिल रहा है, लोगों को शौचालय मिला, तमाम सारे तो विकास बताएं। ये बताइए इन्होंने 5 किलो राशन दे दिया, आपको 5 किलो राशन आज मिल जाए तो उस 5 किलो में आप कई मीटिंग भोजन करेंगे? और यूरिया खाद या डाई 50 किलो का पैकेट होता था ना, उसका दाम नहीं बढ़ा, उसका वजन घट गया, उसमें 5 किलो की चोरी हो गई, वो कौन किया? जनता के साथ इन्होंने क्या किया? जनता वही किसानों के साथ इन्होंने क्या किया? कौन सा हमदर्दी किया? और ये एक चीज ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि अभी आपको कोई मान लीजिए आपके ऊपर हमला कर दिया तो FIR आप थाने में लिखवाते हैं, उसके ऊपर लिखवाते हैं, बाकी जो रोड पर बाबा का छोड़ा हुआ जो सांड घूम रहा है, बाबा छोड़े हैं, जो छुट्टा सांड जो घूम रहा है, बाबा छोड़े हैं, हमारी बात आप सुनिए, वह सांड यदि किसी को घायल कर दिया तो उसका FIR किस पर होना चाहिए? बाबा पर होना चाहिए। जी एकदम सही बात है, बाबा पर होना चाहिए। रात में घटना खाते हैं आप सपा से ताल्लुक रखते हैं, भाजपा वाले कहते हैं किसानों ने ही छोड़ा, यही सब इन्हीं लोगों के बीचों में से नहीं, नहीं, लोगों ने छोड़ा, नहीं, योगी बाबा ने बाबा छोड़वाए हैं, बाबा छोड़वाए हैं सांड को, योगी बाबा छोड़वाए हैं। हम तो कहते हैं गौशाला में ले जाइए, उसका प्रबंध किया गया है, आप कहाँ रोड पर छोड़ रहे हैं? अच्छा, गौशाला की हालत ये है, गौशाला में आके ले जाए गाड़ी। अरे यार चुप रहो, गौशाला की हालत ये है, एक दिन का एक पशु पर कई रुपये आता है, उनका बजट कितने का है? 15-20 रुपये का है, 15-20 रुपये में एक पशु कई किलो भूसा खाएगा, इसके बाद उसमें गांव का प्रधान या सेक्रेटरी को भी ले लीजिए, ये 15-20 रुपये मान लीजिए एक पशु पर आता है, तो वो जो है कि उतने में कई किलो भूसा खरीद कर खिलाएगा, कई किलो उनको उसको दाना देगा। जाकर देखिए ना, पशु जो गौशाला बना है वहाँ सब तमाम पशु मर गए, रोज डेली वेज, और वहाँ पशु वहाँ से भिगाते हैं, उन सबों को पानी पिलाने वाला कोई नहीं है, पानी उनको पानी नहीं मिलता है।